कल से सोशल मीडिया पर एक तेजी से खबर वायरल हो रही है, सब लोगों ने देखा होगा कि जहां पर बताया जा रहा है कि एक व्यक्ति जिसकी उम्र जो है वो मात्र 24 वर्ष बताई जा रही है और बताया जा रहा है कि उसको जो है वो सांपों ने काट दिया और सांप जैसे ही उसने सांप को जैसे ही सांप ने जो है वो उस व्यक्ति को काटा जो है वो उसके बाद उसे हॉस्पिटल में ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने जो है वो उसे थोड़ी देर के बाद ट्रीटमेंट वगैरह चला और उसके बाद जो है वो उसे डॉक्टरों ने मृतक लाया घोषित कर दिया। उसके बाद जैसे ही आगे का रस्म चलती है हिंदू रिवाज के तहत जो है वो उसे जो है वो शमशान घाट में ले जाया गया और जैसे ही उसे चिता पर लटाया जाता है तो व्यक्ति जो है वो वहां पर दान लगाने के लिए असम की लेबर जो है वो इस वक्त वहां पर पहुंची। आप भी जानते हैं कि अभी जो है वो दान का सीजन है और बाहर से लोग यहां पर कामकाज करने के लिए जम्मू कश्मीर में पहुंचते हैं और बताया जा रहा है कि जैसे ही वहां पर चिता पर उस व्यक्ति को लटाया जाता है तो ये व्यक्ति पूछते हैं कि आखिर इस व्यक्ति को क्या हुआ, तो वहां पर बताया जाता है कि इस व्यक्ति को सांप ने काटा है और ये व्यक्ति जो है वो आज इस दुनिया से स्वर्ग पधार चुका है। तो वो कहते हैं कि हमारे पास विद्या है और हम जब ये इस तरह की बात हो जाती है जब सांप जो है वो किसी को काट देता है तो हम वो जहर उतार देते हैं। हालांकि उन्होंने बताया कि इसे जो है वो डॉक्टरों ने मृतक लाया घोषित कर दिया, यानी कि डॉक्टरों ने जो है वो जवाब दे दिया है ये डेड हो चुका है। तो बताया जाता था कि असम की जो लेबर है उन्होंने जो है वो उसका ट्रीटमेंट किया और ट्रीटमेंट करने के कुछ घंटे के बाद जो है वो उसे जो है वो सांस आना शुरू हो गई। तो इस तरह की खबरें जो है वो कल सोशल मीडिया पर तेजी से कल शाम से ही जो है वो वायरल हो रही थी। हमारे पास भी ये पुख्ता जानकारी नहीं थी, हम भी हैरान हो गए थे कि एक व्यक्ति जब डेड हो जाता है इस दुनिया से चला जाता है तो मृतक व्यक्ति किस तरह से जिंदा हो जाता है। तो आज जो है वो हमने भी पड़ताल की और कुछ मीडिया की रिपोर्ट के माध्यम से हमने जाना कि वो जो कल का जो वाकया था वो एक अंधविश्वास था। उस व्यक्ति की पहचान जो है वो विजय कुमार है और इसकी उम्र जो है वो 24 साल है। अखनूर से आगे थोड़ी एक जगह पड़ती है, उस जगह का नाम मग्याल है, मग्याल गांव का ये व्यक्ति है और बताया जा रहा है कि ये व्यक्ति जो है वो इस दुनिया से चल बसा है और आज जो है वो उनका अंतिम संस्कार भी कर दिया गया है। ये एक दुखद बात है और हैरान तब दुनिया हो जाती है कि जब एक डॉक्टर जिन्हें भगवान का दर्जा दिया जाता है, साइंस जो है वो आज बहुत तरक्की कर चुकी है और तब हैरान हो जाते हैं लोग जब डॉक्टर जो है वो उन्हें मृतक लाया घोषित कर देते हैं तो उसके बाद व्यक्ति जो है वो बताया जा रहा है कि चिता के ऊपर जिंदा हो गया। बहुत सारे सोशल मीडिया चैनलों पर ये खबर चली, हमने भी इसकी पड़ताल की और अब जाके ये पता चला है कि ये व्यक्ति जो है वो अखनूर से आगे एक गांव है, मग्याल गांव का नाम है, वहां का ये रहने वाला था। डॉक्टरों ने जो है वो इन्हें जो है वो मृत्यु घोषित कर दिया। उसके बाद कुछ ये लोग हैं असम के जहां पर इन्हें जो है वो इनका अंतिम संस्कार होना था वहां पर ये मिलते हैं, ट्रीटमेंट ये वगैरह चलाते हैं। लोगों को उम्मीद रहती है कि हो सकता है कि व्यक्ति जो है वो जिंदा हो जाए। जब भी किसी ने कहा होगा कि हम इसका इलाज कर सकते हैं तो गाँव घर वालों ने भी सोचा कि चलो व्यक्ति तो चलो इस दुनिया में नहीं है, आस रहती है, तो उन्होंने कहा कि चलो आप ट्रीटमेंट करो। थोड़ी देर उनका जो है वो ट्रीटमेंट चला, डेढ़ दो घंटे चला होगा, उसके बाद बताया जा रहा है कि इस व्यक्ति का जो है वो अंतिम संस्कार भी कर दिया है और ये असम की जो लेबर है जो कह रही थी कि हम इन्हें बचा सकते हैं वो भी बचाने में नाकाम साबित हुए हैं। तो हम भी प्रार्थना करते हैं कि इस विजय कुमार जी की आत्मा को भगवान शांति प्रदान करे और इस तरह का ये वाकया था ये लोगों तक जो है वो पहुंचना बहुत जरूरी था कि डॉक्टरों ने जो है वो उन्हें मृतक लाया घोषित कर दिया और उसके बाद कोई व्यक्ति बोलता है कि हम जो है वो इनका इलाज कर सकते हैं। हालांकि हम मान सकते हैं कि अब जब व्यक्ति की सांसें चल रही हैं उसे बचाया जा सकता है, लेकिन व्यक्ति इस दुनिया से जब पधार चुका होता है यानी कि अपनी अपना शरीर जो है वो त्याग चुका होता है तो फिर उसे बचा पाना मुश्किल ही नहीं असंभव है। रामायण में हमने देखा था, लेकिन रामायण वाले लोग जो है वो इस दुनिया पे मिल पाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। फिलहाल व्यक्ति की आत्मा की शांति की जरूर दुआ कीजिए और मुझे दीजिए अनुमति। दिखना रियासी जय हिंद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।